काठगोदाम की तरफ, काठगोदाम से ऊपर मैगी पॉइंट, मैगी खाने। ओके, मैगी खाने नहीं जा रहा है मुझे, ये मुझे भुट्टा खाना है। और ये पूजा चौहान है? हाँ, मैं पूजा चौहान हूँ, जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते हो। क्या बताऊँ, सब पे बोलूँगा उतने कम है। हाँ, जितने सब बोलेगा उतने कम है। मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ बचपन से। मैंने इनको बोला था कि अगर मैं हल्द्वानी आऊँ तो घुमाने को, तो हम हमें घूमने जा रहे हैं। गाड़ी भगाई कि बेचारे पीछे रह गए। एसएससी वालों की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है यहाँ पे? आओ, कितना अच्छा है। ओके, सारे मतलब इस कॉलेज स्कूल्स के इनकी भी एनसीसी है मंता की? ये देखो सामने बोर्ड, 17 किलोमीटर, 19,000 18। आज ये लोग मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। आज हमें इसे नदी के किनारे लेके जाते हैं, एक और बढ़िया सी जगह है। अच्छा, दीपगोदा मैगी पॉइंट। ओके, काठगोदाम से थोड़ा सा ऊपर तो अगर आए, काठगोदाम में वो रेलवे स्टेशन भी है, वो चले गया रेलवे स्टेशन। जाएंगे क्या आते टाइम? जो सीधे जाता है मैगी पॉइंट पे, दीपगोदा मैगी पॉइंट पे। ये हम यहाँ से मुड़ गए, ये जाता है दीपगोदा मैगी पॉइंट पे। ये एरिया आपका एचएमटी का एरिया है। किस चीज का? एचएमटी। हम आ गए तीसरी नवी ड्राइवर, इनका नाम है प्रिया। हेलो प्रिया, ड्राइवर। भूत वाली वीडियो शूट करने आते हैं रात में। अच्छा, भूत कुछ नहीं होता। जो अपने चैनल पे न्यू वीडियोस डालते हैं, हॉरर वीडियोस डालते हैं, वो शूटिंग के लिए आते हैं यहाँ। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम दीपगोदा मैगी पॉइंट पहुँचेंगे। ये आपका जाता है एचएमटी वाली पुरानी बिल्डिंग, और ये कहाँ जाता है नीचे सामने? ये दीपगोदा मैगी पॉइंट।
ओके जहाँ हम जा रहे हैं हमारी डेस्टिनेशन है, हम वहाँ पहुँचेंगे यहाँ से। तो देखते हैं आज ये लोग हम मुझे कैसी जगह लेके जाने वाले हैं। ये फुली एक्साइटेड। वाह यहाँ इतना अच्छा अच्छा पहाड़ है, एक ऊपर भी घर है। कितने ऊपर ऊपर चलानी नहीं आ रही थी, मुझे चलानी आ रही थी, बट ये था कि थोड़ा न्यू गाड़ी थी, न्यू गाड़ी थी, न्यू चला थी, थोड़ा डर लग रहा था। मुझे आती है, कल बड़ी मुश्किल से मैं अपनी सांस में सांस। झूठा झूठ बोला इसने, फिर से वो पीछे है, वेट करना चाहिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, जा रहे हैं आज किसी नदी के किनारे। हरी लैंग्वेज में बोलते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। देखते हैं, और ये बोरू स्कूटी पार्क कर रहा है। देखो दीपू भाई की पार्किंग में इन्होंने अपना कब्जा कर दिया। हेलो इनू दी। हेलो, ये है भूपेश की दीदी और मेरी दीदी पर है पर एक छोटी सी ये है भूपेश। हाय भूपेश। लोग ये तीसरी हैं, तुम तीनों बेस्ट फ्रेंड हो मतलब। ये मोटा बोल रहा था। ये किसने कहा? कैसे अपो पिलाते तो चलिए यार। ये मोटा नहीं आता, हम भी जानते हैं। इसे आप छोटा हाथी कह सकते हैं। छोटा हाथी हम प्यार से बोलते हैं उसको, हम गोरू बोलते हैं। मोस्ट हैवी ड्राइवर, अभी थोड़ी देर में बैठने वाली हूँ, तुम्हारे पीछे बैठ के ब्लॉगिंग करेंगे पूरी। बस एक शर्त है कि राइडर बोलना पड़ेगा। चलो हिनूरी, ये टैक्सी लेके आ रहा है हमारे लिए अब। बाय। चलो हिनूरी, आप टैक्सी करना चाह रहे हो? ये घर में आए हुए मेहमान को काम करवाते हैं, मतलब बर्तन भी धुलवाते हैं इसके जो भी मेहमान होंगे। मर जा रहे हल्द्वानी से, तो बताइए इस कैफे के बारे में। यार मैं यहाँ से बिलोंग तो करती हूँ बट मेरे घर से काफी दूर है, तो मैं बस दो तीन बार आई हूँ, तो यहाँ पे हम चाय पीने और मैगी खाने आते हैं। अच्छा है ना, मतलब फ्रेंड्स के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, चिल करो। यहाँ का व्यू भी काफी अच्छा है, फोटो यहाँ पे अच्छा है, काफी अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। देखो छोटू सी नदी है, अभी बरसात के टाइम पे ज़्यादा पानी आ जाता होगा। ये हमारी हिनूदी, हिनूदी आप भी बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे, क्या था? यहाँ पे हम शाम को आते हैं घूमने के लिए, मैगी खाने आते हैं, चाय पीने आते हैं। शाम का व्यू जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह सारी यहाँ पे ऑन रहती हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है शाम को। अच्छा, और यहाँ पे सबसे अच्छा क्या मिलता है? मैगी और बनाना। अच्छा, चाय। और वैसे ये लेमन टी के लिए फेमस है ना, बट मैंने कभी यहाँ पे लेमन टी पी ही नहीं है। अच्छी मिलती है क्या? पता नहीं यार। जैसा कि आपने सुना है यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं घूमने, और मैं भी फर्स्ट टाइम यहीं पे पहुँची हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट प्लेस मेरी यही है घूमने की, और मैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। अब देखते हैं यहाँ का फूड टेस्ट भी करके देखेंगे कि कैसा होता है। आफ्टर दैट आई विल गिव यू रिव्यू। ओके बाय। हमारा फोटो सेशन भी कंप्लीट हो गया, हमने इतनी अच्छी अच्छी फोटोज़ खींची हैं तीनों ने मिलके। बाकी बॉयज़ के साथ हम फोटोज़ नहीं खींचते, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, और हम भी नहीं है उनके साथ फोटो खींचने में अभी नहीं। तो अभी चलते हैं फूड की ओर। बाय, स्टे ट्यून। फाइनली उठ गया इन्होंने, बैठ जाओ। हाँ यार, लेकिन ये देखो ठंडा हो रहा है ना।
करने जा रहे हो आप? रिकॉर्ड कर रही थी वो मुझे मिर्ची मसाला वाला टॉपिक मिल गया थोड़ा अभी कल का मरीम जोड़। मुझे भी ऐसा कुछ याद नहीं, मैं चुप हो गई। फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा वो व्लॉग बना रही है यार, सत्ता वाली बात नहीं करनी थी। इससे पहले हाथ धोते हैं, बहुत अच्छी बात है जो की। आज मंदा को किसने भैया कहा तो बहुत बुरा लगा यार। मैं उनको पहले से भैया बोलती हूँ, दादाई तो बोलता। ये देखो पहले खाना शुरू हो गया इसका दोनों। बेटा चलो तमीज से सीट छोड़ दो। पूजा सच्चाई तो बताओ यार, कौन सी? मैं जानती हूँ कि पूजा अपनी तारीफ खुद से नहीं करेगी। मैं बता दूँ कि हमें जो बटर मिला है, मतलब जो उसकी मैगी में बटर मिला है, पूजा हम सबको बांटने वाली है, क्योंकि वो ज्यादा बटर नहीं खाती ना। हाँ यार ले लेना उसका, मैंने जो मैगी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बांट देती हूँ, सब बांट दूंगी मैं। सही बताओ? अच्छे तो तुम्हें नहीं बता रही मैं। देखो मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इन लोगों ने सबसे सब बड़ा बड़ा वाला बटर ले रखा, मेरा बटर देखो इतना छोटू सा। तुम मोटी हो जाओगी, मैगी भी हमें दो, तो प्याज खाओ। प्याज खाओ, ये कितनी अच्छी बातें करता है, मेरे को तो दिमाग से ऊपर जा रही है सब सारी बातें। खाई भी लेके आ गए, टेस्टी टेस्टी, जो ये चार कुकर खाने वाले। लो चाय पीने वाले, चाय ले लो, चाय ले लो, अभी मंदा बोलने वाले हैं। अरे 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 सुशील भाई साहब चाय भी लेके चले गए। इनको अपना अपना देख ले, बता रहा हूँ ठंडी हो जाएगी। अरे यार पास करवा दी थी यार, टेस्ट करने का टाइम। यम्मी मम्मी, बहुत ज्यादा टेस्टी है। कहाँ लेके आ गए तुम लोग मेरे को ये जन्नत में। ऐसे शाम होती जा रही है और यहाँ पे क्राउड बढ़ता जा रहा है, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। मतलब ये फेमस प्लेस है यहाँ का। ए, अभी हम जा रहे हैं इस पुल पे, ये पुराना पुल है और ये न्यू। कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को वापस जा रही हूँ। सर के ऊपर मतलब हो चुका है, हाँ तेरे सर के पीछे होता है। और